आप देख रहे हैं खास खबर, बात कर रहे हैं हम महासमर 2019 देश का पांचवा चरण जो कि 51 सीट पर मतदान पूरा हो गया है पांचवें चरण में। और बात अगर राजस्थान की जाए तो दूसरे फेज में 25 में से 12 सीट पर मतदान हो गया, यानी कि राजस्थान में दोनों फेज में मिलाकर वोटिंग कंप्लीट हो चुकी है। और इसके साथ ही अगर बात कर ली जाए वोटिंग परसेंटेज की, तो वोटिंग परसेंट में फर्स्ट फेज में जिस तरह से 68.80% इजाफा कुल मतदान हुआ था, अभी 62% के आसपास, 62 से 63% तक जंप मारा जा सकता है, क्योंकि एग्जैक्ट 6 बजे जो आंकड़े जारी किए हैं उस दौरान कुछ बूथ पर कार्यकर्ता जमा, माफ करेगा, मतदाता जमा थे। साथ ही कुछ देर पहले के आंकड़े सामने आते हैं, तो लिहाजा वोट प्रतिशत बढ़ सकता है। पहले 61.80 2014 में था इन 12 सीट पर। तो चलिए, लेकिन लोकतंत्र का यह महोत्सव, इसके अलग अलग तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। और हमारे साथ हमारे अतिथि भी जुड़े हुए हैं, राजनीतिक दलों से समीक्षक जर्नलिस्ट हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। हम आपको बताना चाहेंगे कि राजस्थान में 25 सीट जो है 2014 में भाजपा के खाते में रही, 1980 में बीजेपी के गठन के बाद यह पहला अवसर रहा जब बीजेपी ने सभी सीट पर कब्जा जमाया। यहां यह भी कहना लाजमी होगा कि सेकंड फेज को लेकर के जिस तरह से दावे किए जा रहे थे बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही, हालांकि हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव 2018 की बात कर ली जाए तो 12 में से 9 सीट कांग्रेस के खाते में जाती दिखती हैं। मैं बात आंकड़ों के कर रहा हूं इस वक्त, लेकिन यह कोई जरूरी नहीं है कि विधानसभा चुनाव के तरह ही लोकसभा चुनाव हो, वो ही मतदाता जो है वो जिसने कांग्रेस या बीजेपी को चुना हो अभी भी उसी को चुनाए। बहुत सारी चीजें चेंज हो जाती हैं, और लेकिन हम बात आंकड़ों की करते हैं। ये हैप्पी जोन कहा जा सकता है कांग्रेस के लिए, क्योंकि 12 में से 9 सीट कांग्रेस को बढ़त मिली थी लोग विधानसभा चुनाव के दौरान। विधानसभा चुनाव संपन्न हुए मात्र अभी 4 से 4.5 महीने का वक्त ही गुजरा है। चले, मैं आपको उस तमाम तस्वीरें भी दिखाऊंगा और कौन कौन खास रहा वो भी बात हम दिखाएंगे। हमारे साथ इस वक्त राजेंद्र शर्मा जी, वरिष्ठ विश्लेषक हमारे साथ में जुड़े हैं, भाजपा नेता पंकज जोशी साहब हमारे साथ में जुड़े हैं, आपका स्वागत है। राजेंद्र जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, देश का पांचवा चरण और राजस्थान का दोनों चरण में मतदान होना था, सेकंड फेज भी कंप्लीट हो गया, यानी कि राजस्थान में 25 सीट पर मतदान कंप्लीट हो चुका है। ओवरऑल देखे तो मतदान काफी शांतिपूर्ण रहा, लेकिन उत्साह रहा, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा उत्साह से आपने परसेंटेज तो इजाफा कर दिया, 61.80 था वो 62% को क्रॉस कर गया, लेकिन इस उत्साह को आप फर्स्ट फेज के उत्साह से नहीं जोड़ सकते, क्योंकि फर्स्ट फेज का उत्साह इस दृष्टि से और महत्वपूर्ण था कि पश्चिमी राजस्थान के तमाम लोकसभा क्षेत्र उस चरण में थे जो अपनी गर्मी के लिए, भीषण गर्मी के लिए लू चलने वाले जो वक्त था वो, और तपती दोपहर में भी लोगों के उत्साह में कोई कमी नहीं रही। इस लिहाज से तो कह सकते हैं कि मतदान में पूर्वी राजस्थान पिछड़ा है। देखिए, ये जो राजस्थान का मतदान पूरा हो चुका 25 सीटों के लिए, और देश में भी यदि अपन देखें तो कुछ 5 चरण पूरे हो गए हैं आज, और करीब 425 सीटों के लिए चुनाव जो कैंडिडेट्स हैं उनका भाग्य मत पेटी के अंदर हो चुका है। मैं एक चीज कहूंगा जिस बात की कई बार चर्चा हुई और कई बार ये बात की जा रही है, देखिए मतदाताओं को अभी भी पूरी तरह से जो मतदान के प्रति जो रुझान होना चाहिए, जो उनका दायित्व होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। मेरे को तो बड़ा निराशाजनक है, सुबह के टाइम पे मेरे को ऐसा लग रहा था कि शायद राजस्थान के अंदर इस बार इस सेकंड फेज वाले के अंदर रिकॉर्ड तोड़ देंगे पुराने मतदान के, और अभी जो 62% के आसपास के जो आंकड़े आ रहे हैं टेंटेटिव पर, देखिए प्लस माइनस 1-2% ही रहेगा, प्लस रहेगा 1-2%। इसका मतलब यह है कि जो हमने फर्स्ट फेज का जो आंकड़ा छुआ था मतदान का, वो भी नहीं छू पाएंगे, तो ये बड़ी निराशाजनक है। क्यों, मेरे समझ में आ रहा है कि मतदाता की ऐसी बेरुखी क्यों है, क्या कारण है कि मतदाता मतदान केंद्र पर नहीं पहुंच रहा है। देखिए, अगर अभी के जो अभी जो हमारे पास लेटेस्ट आंकड़े हैं, अगर उन्हीं को देख के हम समीक्षा करें, तो उन्हीं को देख करके हम करें, तो देखिए 38% वोटर जो है वो मतदान केंद्र पर नहीं पहुंचा है।
अब आप 66% की बात करें उसके अंदर निश्चित रूप से, हालांकि मैं सुबह से बात कर रहा था और ये बात मैं कह रहा हूं कि सुबह के टाइम पे जो हमने विजुअल्स देखे टीवी चैनल्स के ऊपर, अलग अलग चैनल्स के ऊपर, तो महिलाओं की और बुजुर्ग लोगों की भीड़ ज्यादा दिखाई दे रही थी कतार के अंदर, युवाओं की कम दिखाई दे रही थी। पर मेरा यह मानना था कि युवा निश्चित रूप से 11 बजे बाद में, 12 बजे बाद के अंदर मतदान केंद्रों तक पहुंचे होंगे। नए लोगों में, नए युवाओं के, जो नए वोटर हैं उनके अंदर निश्चित रूप से उत्साह होगा। पर जो अब अंतिम जो परिणाम आया, उसको जो अंतिम जो आंकड़े आए हैं हमारे सामने मतदान के, वो काफी मैं तो उत्साहित नहीं मानता हूं, क्योंकि यदि 70-75-80% के आसपास मतदान नहीं होता तो फिर उसका मतलब क्या है? 38% लोग वोट नहीं डाल रहे हैं, 62% के अंदर से किसी भी एक को एक, मतलब यह हो गया कि आपके पास 30-32% वोट ले लिए आपने, तो आपने जीत गए आप। तो इसका मतलब जो 50, कम से कम 100 के अंदर से 50-51% जो वोट आने चाहिए किसी कैंडिडेट को एक कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर से निकल करके, वो स्थितियां लगभग लगता है नहीं आएगी। और फिर 30%, 20%, 15%, 25% वाले जो हैं वो हमारे नेता चुने जाएंगे, लोकसभा में हमारे को प्रतिनिधित्व करेंगे, और उसके लिए मैं उनको दोष नहीं दे रहा हूं, उसमें हमारा दोष है कि हम लोग बिल्कुल। ये जो बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट इस बात को लेकर के टिप्पणी कर चुका है कि आप जनप्रतिनिधियों को दोष देते हैं, लेकिन जब वोट के वक्त आप मतदान होता है तो आप घर से बाहर भी नहीं निकल पाते। मुझे लगता है कि ये अधिकार नहीं होना चाहिए किसी को भी, अगर आप वोट के दिन आप वोट करने नहीं पहुंचे और फिर कहे कि जनप्रतिनिधि हमारा निकलना निकल रहा है। हमें खुद को भी अपने आप को देखना चाहिए कि हम किस तरह से मतदान के उत्साह को हम एक बैरियर लगा करके रोक रहे हैं। आपको वोट डालना चाहिए, ये 5 साल के लिए आप देश को किसी हाथ में सौंपने जा रहे हैं। मुझे लगता है कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए बहुत जरूरी है। चले पंकज जोशी जी हमारे साथ जुड़ गए। पंकज जी, 25 सीट पर मतदान कंप्लीट कर चुका है राजस्थान, हालांकि मैं इससे बहुत ही खुश नहीं हूं कि सेकेंड फेज में यह मतदान हुआ है। 38% लोगों ने अभी भी अब मतदान में हिस्सा नहीं लिया। मुझे लगता है कि ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण कहूंगा कि लोग घरों से बाहर नहीं निकले या परिस्थितियां जो भी रही होंगी। इतने सब कुछ होने के बावजूद जब आपके घर के 1 किलोमीटर के दायरे में बूथ उपलब्ध है, इतने संसाधन है, लोग मोटिवेट करने के लिए अपनी सेल्फी खींच के वोट के लिए डालते हैं कि हमने वोट डाला कि आपने भी डाला। अगर उस वक्त अभी 62% अगर मतदान होता तो मुझे लगता है कि राजनीतिक दल अपने अपने दावे करते होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ प्रयासों में कमी रही है। पंकज जी, देखिए योगेंद्र जी, दोनों चीजें हैं। पहली बात यह है कि आपने कहा कि मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए, देखिए चुनाव आयोग ने खुद ने बहुत सारे उपाय किए लगातार जो है, पिछले 15 दिनों से लगातार इन चीजों को, चाहे किसी भी तरीके से हो, वो लगातार इस वक्त कोशिश की। और जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो भी अपनी पूरी ताकत लगाती हैं कि किसी भी तरीके से मत प्रतिशत बढ़ना चाहिए, क्योंकि मत प्रतिशत बढ़ेगा तो ही जो है एक जीत की संभावनाएं बनती है। और आप यदि देखें, हमारी जो पार्टी है उसमें संगठनात्मक दृष्टि से यदि आप देखें तो प्रत्येक बूथ के ऊपर लगभग पूरी कोशिश की जाती है कि मतदाता मत जो है मतदान केंद्र तक पहुंचे और अपना मतदान करे। तो अभी जो बात निकल करके आ रही है सामने, अभी आपको बताएं कि सीईओ राजस्थान की वेबसाइट से जो चीजें अपडेट हो रही हैं, गंगानगर फिर भी कहें कि अव्वल कहा जा सकता आज के मतदान में, 71.994 यानी कि लगभग 72% आप मतदान मानिए जो गंगानगर में हुआ है। यहां मैं एक चीज कोट करना चाहूंगा कि गंगानगर और चूरू सर्दी और गर्मी दोनों के लिए जाने जाते हैं, वो एक अपनी अलग पहचान रखते हैं, लेकिन चूरू में भी काफी मत प्रतिशत ठीक रहा है। बात गंगानगर की 72%, मुझे लगता है कि 62 के मुकाबले काफी बेहतर कहा जा सकता है, और 10% का जंप है। लेकिन जो तस्वीर देख रहे हैं हम, ये दौसा की तस्वीरें हैं, यहां मतदान प्रतिशत बड़ी रोचक बात है कि 60% को भी टच नहीं कर पाया। ये किरोड़ीलाल मीना को हम देख रहे थे कि वोट बारात निकाली उन्होंने, बहुत उत्साह के रूप में आए, वो पूर्व मंत्री हैं, उनकी पत्नी पूर्व मंत्री हैं, लेकिन ये बारात और ये सब बारात में मुझे लगता है कि दूल्हे तो नजर आ रहे हैं लेकिन बराती गायब हो गए। इससे प्रसादी लाल मीना हो चाहे ममता भूपेश हो, सबने वोट कास्ट किया है लेकिन वोटिंग परसेंटेज जैसे बनना चाहिए था, क्योंकि यह एक ऐसा वो रहा है कि जिससे वोटिंग परसेंटेज पे काफी गिरावट महसूस हो रही है। सभी ने अपने अंदाज से वोट डाला है और आप ये तस्वीरें लगातार देख भी रहे हैं। एक बार फिर मैं राजेंद्र जी के पास में जाना चाहूंगा। राजेंद्र जी,
वोट की तस्वीर तो सामने आ रही है लेकिन वोटिंग कम काफी है। 200 में 59.80 यानी कि मैक्सिमम आप 60% मान लीजिए, 60 के आसपास अगर वोट रहता है तो ऐसे में अगर वोट कम हो या ज्यादा हो कुछ तस्वीर पर असर पड़ता है कि क्या जाएगा इसे जो सिटिंग आपका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो। लेकिन बड़ी अजीब स्थिति है दौसा की, अभी जो सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है बीजेपी के बैनर से जीते थे, बीच मैदान ही बीजेपी को छोड़ करके कांग्रेस में चले गए। कांग्रेस और बीजेपी दोनों से ही प्रत्याशी अलग अलग हैं। यहां इस सीट पे सबसे आखिरी में भाजपा ने अपना प्रत्याशी डिक्लेयर किया, केवड़ीलाल मीणा और ओम प्रकाश हुड्डा के बीच सीट फंसती नजर आ रही थी। जसकौर मीणा पूर्व केंद्रीय मंत्री उनको ये सिंबल मिला और उस पर दाव खेला गया। यहां ऐसे में अगर कम परसेंटेज वोटिंग होती है या बढ़ती है तो उसका कुछ इशारा होता है? देखिए इशारे वाली बात तो बिल्कुल अलग है, पर देखिए योगेंद्र जी देखने वाली चीज ये है कि आखिर के अंदर ये जो पूरी बेल्ट है 200 वाली बेल्ट है, यहाँ देखिए जयपुर से जुड़ता हुआ हिस्सा है, साक्षरता की स्थिति भी अच्छी है, हालांकि एसटी के वोट बैंक बड़ा है, एसटी भी है और गुर्जर समाज का भी इधर काफी दखल है, और गुर्जर और जो आपके मीणाओं का जो था चुनाव के जस्ट पहले भैंसला जी का और इनका बीजेपी में शामिल होना, ये सारी चीजें, पर उनका जो उसके जो रिएक्शन ये आना चाहिए था कि वोट परसेंटेज बढ़ना चाहिए था भैंसला जी की वजह से या दूसरी वजह से, वो कहीं नजर नहीं आ रहा नंबर एक। बल्कि ये लग रहा है कि जिस तरह से बीजेपी ने सबसे लास्ट में यहाँ पर अपना कैंडिडेट उतारा उसी तरीके से वोटिंग परसेंटेज के अंदर भी दोसा पिछड़ रहा है, दोसा पिछड़ रहा है, झुंझुनू पिछड़ रहा है। मैं उसी हिसाब से कह रहा हूँ कि देखिए आखिर झुंझुनू, आप झुंझुनू ग्राफ है, झुंझुनू सबसे ज्यादा महिला साक्षरता के अंदर सबसे आगे है, सब कुछ है, उसके बाद भी यदि वहां वोट कम हो रहा है ये क्या क्या इंडिकेट कर रहा है? इसका मतलब यह है कि जो लोग पढ़े लिखे लोग हैं, साक्षर लोग हैं, समझदार लोग हैं, जो अपने आप की जो राजनीतिक घटना प्रति घटनाओं पर अपने सबसे ज्यादा रिएक्शन करने वाले लोग हैं, वहां पर यदि मतदान केंद्र पे वो लोग नहीं जा रहे हैं क्योंकि देखिए ये। लेकिन अभी तो हम तो यही कहेंगे कि अगर कोई बात आती है कि आपको मलाल है कि मेरा जनप्रतिनिधि यही नहीं करा, लेकिन आप अंदर आओ झांक करके देखिए अपने आप में आपने वोट डाला कि नहीं डाला। मुझे लगता है ऐसे मतदाता चूक गए, अब तो यही कह सकते हैं हम, चूक गए नहीं, मैं कह रहा हूं ये मतदाताओं का जितना हम इसको कंडेम करें वो है, कंडेम करना चाहिए, मतदाताओं की गैर जिम्मेदाराना है, हम देश के प्रत्येक नागरिक का दायित्व होता है कि उसको मतदान केंद्र पर जो मतदाता है उसको वोटिंग का अधिकार है तो उसको वोटिंग के अधिकार का उपयोग करना चाहिए। मैं लौटूंगा राजेंद्र जी आपकी बात से, पंकज जोशी जी से एक रिएक्शन चाहूंगा। पंकज जी वोटिंग परसेंटेज बहुत ज्यादा तो नहीं कहूंगा मैं इसे, लेकिन बड़ा है थोड़ा सा, 61.80 था अभी 62% जा रहा है, यानी कि लगभग 1% वोट प्रतिशत में इजाफा हुआ है। तो किस तरह से देखें इसमें बीजेपी अपना नफा नुकसान किस तरह से देखती है? देखिए योगेंद्र जी मुझे लगता है कि जो आप 62% कह रहे हैं कि ये जो परसेंटेज 64-65 तक आना चाहिए ऐसा लगता है, क्योंकि जिस तरीके से सुदूर इलाके हैं जहां से भी समीक्षा होकर के आ रही होंगी, मुझे लगता है 64-65 होना चाहिए, क्योंकि जितनी भी जगह हम लोग गए हैं लगभग हमारे पास सूचना ये थी कि वोटिंग ठीक है, तो इसलिए जो है अब बाकी जो रिजल्ट होंगे उसके ऊपर चलेगा। और जहां तक फायदा और नुकसान की बात है, देखिए हमने बहुत साफ साफ कहा कि मतदाता अपने मत का प्रयोग करे, और हमने जिन चीजों पर मांगे आज आप देखिए कि वोट प्रतिशत हमें कहीं परेशान नहीं है। आज हमें लगता है कि जो वोट जो है, कभी लोग कहा करते थे कि जो है एंटी इनकम्बेंसी है, आज हम ये कह सकते हैं कि प्रो इनकम्बेंसी है, जो वोट परसेंटेज पिछली बार से जो बढ़ रहे हैं वो निश्चित रूप से जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए बढ़ रहे हैं, सरकार के लिए, लेकिन फिर भी जितनी प्रतिशत में बढ़ने चाहिए, जितने लोगों को मत उपयोग करना चाहिए वो अभी तक पूरा नहीं हो पा रहा है, उसके लिए लगातार चाहे आप पार्टी के साथ देखिए, आज संगठनात्मक ढांचा भी यदि आप देखेंगे तो हमारे यहाँ कहीं भी किसी भी रूप में, चाहे वहां पार्टी का संगठन जो है हर एक बूथ स्तर पर जो है वहां कोशिश की गई है कि वहां से मतदाता आए और मतदान दे, एक एक बूथ को एक एक चीज को जो है इस चीज के प्रयास किए गए। चलिए मतदाता बूथ तक पहुंचे और वोट डालें ये एक अच्छी बात है, पहल की भी जानी चाहिए। मैं एक बात जरूर जानना चाहूंगा मैं अभी इस वक्त राजेंद्र जी, राजनीतिक दल दावा तो करते हैं कि हमने कोशिश की है, बूथ पे पर्चियां भी अब तो गवर्नमेंट की तरफ से जाने लग गई, तो अभी क्या माना जाए इसको कि वोटिंग परसेंटेज में राजनीतिक दलों का कोई रोल रहा है कि वो वोटर को मोटिवेट करें? या पहले मैं देखा करता था जब गांव में हम वोट डालने जाते थे या जब पढ़ाई के दौरान वहां रहते थे, कार्यकर्ता मुकर्रर कर दिए जाते थे कि मुस्तैद रहेंगे ये
कि अमुक घर में से अगर कोई बुजुर्ग है तो उसको लेकर के आना, दूसरे किसी वोटर को निकाल करके लाना। अभी ये उत्साह दिख तो रहा है मेरे को, जैसे आप देख रहे हैं सामने कोई बुजुर्ग आ रहा है, कोई विकलांग आ रहा है, ये देख करके तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से वोटिंग परसेंटेज बढ़ना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ पे हम लोग एक लेसन मोटिवेशनल कोई तस्वीर सामने आती है या कोई नजीर सामने आती है कि देखिए आप अच्छे हट्टे खट्टे चंगा है, लेकिन आप वोट नहीं डाल रहे हैं, सामने इतना हैंडीकैप होने के बावजूद भी वोट डालने पहुंच रहे, कोई विकलांग है, तस्वीरें जो बयां कर रही हैं आप देख सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो चूक गए अभी वोटिंग में, जो वोट नहीं डाल पाए, अपने आप को एक महसूस के रख सकते हैं कि मलाल होना चाहिए, उनको दुख होना चाहिए, उनको अपने आप को गिल्टी महसूस होनी चाहिए। देखिए मैं सबसे ज्यादा तो जो भी 62% के आसपास, 64% जो पंकज जी कह रहे हैं 64-65 के आसपास होंगे, 64-65 पे भी हमको खैर संतोष नहीं करना चाहिए, अभी भी एक अच्छी चीज है। पर देखिए जो भी जो परसेंटेज है, मैं इसका श्रेय किसी राजनीतिक दल को देने की जगह पे मैं कहूंगा कि ये जो हमारे निर्वाचन आयोग है, चुनाव आयोग है, इसके द्वारा जो लगातार कैंपेनिंग की गई है, दूसरा जो मीडिया है जो लगातार पिछले 3-4 महीनों से लगातार, मतलब आप किसी न किसी का लाइव हो रहा है, रैलियों का हो रहा है, रोड शो का हो रहा है, मीटिंग्स का हो रहा है, अगर ये सब नहीं होता तो मुझे लगता है इसमें नहीं होती। मतलब आप देखिए बिल्कुल इसका मतलब इसका मतलब एक चीज साफ नजर आ रही है, कितना सब कुछ होने के बाद में मैं जैसे आदर्श मतदान केंद्र पे गया, मेरा सौभाग्य की बात है कि जहां पर मेरे को वोटिंग करनी थी मेरे परिवार के साथ, वो आदर्श मतदान केंद्र, वहां पर उन्होंने सेल्फी जोन भी बना रखा है, लोग सेल्फी भी ले रहे थे। ये सारी चीज होने के बाद में यदि परसेंटेज एंट्रेंस ऐसा लग रहा था जैसे कोई बारात आने वाली है, एक चीज। दूसरी चीज ये देखिए कि मतदान केंद्र बिल्कुल आपके घर के बाहर है, मुश्किल से आधा किलोमीटर, 1 किलोमीटर थोड़े ज्यादा दूर, मुझे नहीं लगता किसी को वोट डालने जाना पड़ रहा है। हालांकि सुबह के टाइम पे, मैं कह रहा हूँ सुबह के टाइम की जो स्थिति थी उनमें और शाम के टाइम की स्थिति में काफी परिवर्तन महसूस हो रहा है। सुबह कतार, मैं को खुद को 1 घंटे प्रतीक्षा करनी पड़ी, लाइन के अंदर खड़ा रहा और लोगों को, और इसी तरह की देखी कतार है, अपने अपन विजुअल अपन सामने देख रहे हैं टीवी स्क्रीन के ऊपर, तो लंबी लंबी कतारें भी थी। पर जो दोपहर बाद में जो स्थिति बदली है, कम वोटिंग हो रही है, उससे मेरे को थोड़ा सा निराशा हुई है जी। हालांकि लौटूंगा आपके पास में, चलिए इस वक्त हमारे साथ में कांग्रेस राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता देवेंद्र चौधरी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। देवेंद्र आपका स्वागत है। वोटिंग परसेंटेज मुझे देख करके मुझे लगता है कि कोई ऐसा उत्साहित करने वाला नहीं है कि हाँ ये बात जरूर है कि 2014 में जो वोटिंग परसेंटेज रहा उसमें इजाफा हुआ है। पंकज जोशी जी का मानना है कि अभी 64-65 तक ये पहुंच सकती है, क्योंकि 6:05 पे आंकड़े जारी कर रहे हैं, काफी दूर दूर से कई जगह से वोटिंग परसेंटेज जो निकल करके आता है उसको हो सकता है कि कंक्लूड करने में वक्त लगता हो, लेकिन फिर भी फर्स्ट फेज से उत्साह जनक नहीं कह सकते। पहला रिएक्शन कांग्रेस का इस वोटिंग परसेंटेज पे चाहूंगा मैं। देखिए वोटिंग परसेंटेज के ऊपर सबसे पहले तो हम लोग देख रहे हैं, कल आप लोगों ने सबको ये पता है कि अक्षय तृतीया है, आका तीज है, तो उसमें महिलाओं के जो वोट है उसका जरूर एक फर्स्ट फेज की तुलना में अगर अपन देखते तो लॉस हुआ है। लेकिन ओवरऑल मैं यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी बात कोट करना चाहूंगा, अपने न्यूटन करके एक पिक्चर आई थी अभी जिसको भारत की तरफ से ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया था, तो वो पूरी की पूरी पिक्चर अगर किसी ने देखी नहीं उसको देखनी चाहिए कि वोटिंग के लिए एक कर्मचारी किस हद तक जाता है, इसी के ऊपर है। तो अपने संस्कृति के अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव मानता हूं मैं, जहां पर इसको बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दी जाती थी, आज इतनी तवज्जो दी गई है कि एक इसी चीज के ऊपर एक पिक्चर बनी, उसको भारत की तरफ से ऑफिशियल ऑस्कर की एंट्री दी गई। और वोटिंग प्रतिशत है 700-800 वोट एक बूथ पे अमूमन होते हैं, और जब फाइनली डोर क्लोज होते हैं लगभग आधा पौन घंटा लग जाता है, जो वो जो भी 30-40 के आसपास जो फाइनल वोटर्स होते हैं वो अंदर होते हैं, तो मेरे ख्याल से 4-5% का जो फाइनल आंकड़ा आएगा, अंतिम आंकड़ा होगा, 4-5% बढ़ के आने की संभावना मेरे को है। बाकी हम लोग कांग्रेस पार्टी इसको अपने फेवर में मानते हैं, पिछली बार से जो उत्साह था उसके दो ही कारण होते हैं, कभी कोई अगर नेशनल लेवल का चुनाव होता है उसके अंदर अगर युवाओं की तरफ से भागीदारी बढ़ती है या तो बहुत ज्यादा संतुष्ट होता है युवा वर्तमान सरकार से या उसके प्रति आक्रोश होता है। संतुष्टि जैसा मुझे कोई पूरी दुनिया को हम लोग सब लोग देख रहे हैं, बार बार डिबेट्स में देख रहे हैं कि ऐसा कोई आंकड़ा या कोई ये खुद ही बच रहे हैं इस चीज को अपनी उपलब्धियों को एक उसमें बताने के लिए, तो जाहिर सी बात है कि इनके एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी है और इनकी कथनी करने में फर्क है, उसके विरुद्ध भी युवा ने बढ़ चढ़ के वोट किया है। पंकज जी आपने सुना देवेंद्र चौधरी को, वो साफ कह रहे हैं कि ये जो वोटिंग परसेंटेज है ये अभी और बढ़ सकता है, आप ही की तरह इनको भी भरोसा है, अक्षय तृतीया की वजह से थोड़ा सा वोटिंग परसेंटेज पर असर पड़ा है, हालांकि गर्मी
इस उत्साह पे कोई राइडर का काम नहीं किया। गर्मी क्योंकि जब पश्चिमी राजस्थान की लोकसभा क्षेत्रों में इतनी भीषण गर्मी होती है उसके बावजूद भी 68% से ज्यादा अगर मतदान होता है तो मुझे नहीं लगता है कि यहाँ परिंदों के पर कोई आसमान में रुक पा रहे हो। बट यहाँ एक बात जरूर कहिए कि जो वोटिंग परसेंटेज सामने आया वो कांग्रेस के फेवर में। नहीं देखिए इस पर तो मैं आपको बाद में रिएक्शन दूंगा, लेकिन मैं राजेंद्र जी की एक बात से बड़ा सहमत हूँ कि सुबह सुबह जो है हम लोग ने वोट करने के सबसे पहले जो लाइनों में थे, मैं पहली बार ऐसा देखा है कि जब 7 बजे लगभग मैं जाता था तो पहला वोट जो है हम लोग कास्ट कर पाते थे, लेकिन अब की बार हमें लगा कि 7 बजे से पहले ही जो है लाइनें लगी हुई थी और लोग उस मतदान में जो है बड़ी रुचि के साथ आए थे। लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए थी कि शुरू शुरू में जिसको कि जो है चुनाव आयोग ने भी माना है खास करके जयपुर के अंदर कि लोगों की जो वोट की जो गलने की जो रफ्तार थी वो धीमे थी और उसके बाद जो है उसके अंदर रफ्तार तेज हुई, तो शुरू शुरू में लोगों को टाइम लग रहा था। टाइम लगने के बाद कई बार ऐसी होती है कि जब लाइनें बड़ी लगती हैं या इस तरीके का मैसेज जो है लोगों तक पहुंचता है तो निश्चित रूप से जो है एक हमारे यहाँ का जो ट्रेंड है कि वो जो क्लास है उसमें कुछ सोचता है कि मैं बाद में दे दूंगा या एक थोड़ा से हटने की कोशिश करता है, तो ये थोड़ी सी जरूर एक कमी रही कि प्रशासन को जितना ढंग से उसमें करना चाहिए था वो शायद कहीं ना कहीं थोड़ी सी जो है उसके अंदर चुप जी। पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि जो है कि कांग्रेस के फायदे में है, ये देखिए फायदा और नुकसान तो जो है मतदाता ने जो वोट दे दिया है वो 23 तारीख को होगा, लेकिन हम अपने विश्वास के साथ ये कह सकते हैं कि हम जो है न केवल राजस्थान के अंदर 25 की 25 सीटें जो है जीतने का विश्वास हम लोगों को है और आज जिस तरीके की वोटिंग हुई है, जिस तरीके का जो है कार्यकर्ताओं में उत्साह है, जिस तरीके का पोलिंग का उत्साह था, हम बिल्कुल निश्चित कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है के विकास के लिए, भारतीय जनता पार्टी के काम किए हुए 5 साल की सरकार के लिए और मोदी जी के नेतृत्व में जो है जनता ने मोहर लगाई है। तो चले आप सभी हमारे साथ बने रहे, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद हम जल्दी लौटते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं खास खबर, बात कर रहे हैं महासमर 2019 की। राजस्थान में दूसरा फेज भी संपन्न हो चुका है, देश का 5वां फेज यानी करीब 425 सीट पर मतदान संपन्न हो चुका है। इस बार एक कुछ रोचक बातें भी सामने आई हैं कि जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में 3 फेज में मतदान संपन्न हुआ है और अगर बात देश की सबसे हॉट सीट की कर ली जाए इस वक्त जो इस फेज में है वो है अमेठी, जहां से राहुल गांधी और स्मृति ईरानी आमने सामने हैं। हम कुछ खास जो सीटें हैं वो आपको दिखाएंगे और उस पर थोड़ा सा मैं राजेंद्र जी का रिएक्शन भी चाहूंगा। अमेठी सबसे हॉट सीट कही जा सकती है पांचवी फेज की। राजनाथ सिंह लखनऊ से, उनके सामने शत्रुघ्न सिन्हा की पत्नी पूनम सिन्हा अपना भाग्य आजमा रही है और रायबरेली सोनिया गांधी भी इसी फेज में, जो रायबरेली सबसे महत्वपूर्ण सीट कही जा सकती है। सबसे हॉट सीट में राहुल गांधी की वजह से बता रहा हूं कि राहुल गांधी का कद पिछली मर्तबा वो उपाध्यक्ष थे लेकिन अभी कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और स्मृति ईरानी सामने हैं जो केंद्र सरकार की मंत्री हैं। बात अगर राजस्थान की कर ली जाए तो राजस्थान में भी 12 सीट पर रोचक मुकाबला है। इस चरण में 12 सीट पर कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी खड़े किए हैं, भाजपा ने 11 पे, एक सीट हनुमान बेनीवाल को गठबंधन में दी है, 10 बीएसपी और 10 कम्युनिस्ट है, कुल 134 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिनकी किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। अब उनमें से कौन 12 भाग्यशाली इस फेज के होंगे यह फैसला 23 तारीख को होगा। तो चले मैं राजेंद्र जी के पास जाना चाहूंगा। राजेंद्र जी, हॉट सीट की बात की जा रही है, स्मृति ईरानी ने एक आरोप लगाया है कि यहां फर्जी वोटिंग हो रही है, बूथ कैप्चर किए जा रहे हैं, राहुल गांधी से मुझे जवाब चाहिए। कांग्रेस इसे कह रही है कि ये एक तरह से खुली गुंडागर्दी कांग्रेस कर रही है, ये बीजेपी का आरोप है, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि स्मृति और भाजपा की बौखलाहट है। देखिए इस तरह की चीजें राजस्थान के भी एकाध कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में कहीं किसी प्लस हुई थी। मैं एक चीज कहता हूं कि देखिए अब जो स्थिति हो गई है उसके अंदर इस तरह के कुछ छुटपुट तो हो सकता था कि इस तरह के बड़े आरोप तो मेरे ख्याल से राजनीतिक से अधिक तो मैं नहीं मानता हूं, क्योंकि देखिए इतनी चाक चौबंद व्यवस्था होने लग गई। बूथ कैप्चर करना मुझे थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, हालांकि वेस्ट बंगाल में कैप्चरिंग तो नहीं लेकिन वहां जरूर हिंसा घटना हो रही है, वो हर फेज में ही है, हर फेज में हो रही है, वहां आज भी काफी हिंसा हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बाकी देखिए चुनाव आयोग द्वारा
चुनाव पर्यवेक्षक है, फाइनेंशियल को देखने के लिए पर्यवेक्षक है, उसके बाद में लोकल लोगों को भी वहां इस काम को देखने के लिए लगाया है, और खासतौर से जो संवेदनशील सीटें हैं वहां पर वीडियोग्राफी की भी बातें राजस्थान के अंदर भी, तो वहां भी निश्चित रूप से यूपी में भी हुई होगी। स्थिति देखते हुए यदि बूथ कैप्चरिंग वाली यदि कोई बात होती है तो वो तो गले उतरने वाले कम है। बाकी ये है कुछ जगह ऐसा हो सकता है कि वहां पर कहीं देखिए, यदि मतदान केंद्र पे दोनों पार्टियों के या बल्कि सभी पार्टियों के यदि वो एजेंट नहीं है उस स्थिति के अंदर, तो आप एक संभावना वाली बात सोच सकते हैं। बाकी जब आपके पास सभी पार्टियों के वहां पर बूथ एजेंट वहां पर मौजूद है पार्टियों के, और अगर उस स्थिति के अंदर इस तरह का कुछ हो रहा हो जैसे राजस्थान के अंदर वेब कास्टिंग हो रही है, मैं वीडियोग्राफी का सीधा मैं वहां जोड़ रखा है वार रूम से, चुनाव आयोग के वार रूम से, तो वहां पर भी ऐसी स्थिति होगी तो तुरंत पकड़ में आ जाती है, और उस स्थिति के अंदर सुरक्षा बल को भेज करके या दूसरी चीजें करके उसको रोका जा सकता है। हालांकि फिर दूसरी चीज है यूपी के अंदर बीजेपी की गवर्नमेंट है, इसमें भी अपने को किसी तरह का कोई नहीं, तो सारी चीज होने के बाद में इस तरह की कोई बात की जा रही है तो मेरे को थोड़ी सी देखिए कुछ मात्रा में तो हो सकती है, बाकी इतना ज्यादा लेवल पे भी आरोप लगाया जा रहा है तो वो कहीं ना कहीं गले उतरने वाली बात नहीं है, ये मेरा जी है। पंकज जी, आप लगातार आपके कंट्रोल रूम जो आपने बनाया हुआ था बीजेपी का, उसमें बैठे आप एक एक शिकायत की मॉनिटरिंग कर रहे थे, प्रशासन तक शिकायतें भेज रहे थे, अपने कार्यकर्ताओं को संतुष्ट करने की पूरी कोशिश की जा रही थी, ऐसी व्यवस्था कांग्रेस में, आप दर यहां पे बैठे हुए हैं, आपके वॉर रूम में शिकायतें जो आई दिन भर में, किस तरह की शिकायतें आई? देखिए हमारे यहाँ शिकायतें जिस तरीके की आई, सबसे बड़ी चीज है शिकायतें थी जो है वीवीपैट को लेकर के, वो टाइम ज्यादा लग रहा था, कुछ जगह जो है मशीनें खराब हो गई थी तो उसके लिए जो है परिवर्तन में टाइम लग रहा था, तो इन चीजों की शिकायतें लगातार थी। दूसरा जो है कई जगह पर ये शिकायतें थी कि जो वहां पर जो मत कर्मी पहुंचे थे वो इतने एक्सपर्टाइज नहीं थे, कई बार जो है जैसे एक ही शिकायत थी कि हरेक व्यक्ति जो है जो वहां बैठा हुआ मतदान केंद्र पर था, एक ऑथराइज पर्सन के अलावा सभी व्यक्ति जो है उसका जो है आई कार्ड जो है या जो भी साथ में लेके जाना था उसको वो सब लोग देख रहे थे, तो उसको देखने से वक्त बर्बाद हो रहा था। तो उन्होंने कहा था कि कोई ना कोई एक व्यक्ति जो भी ऑथराइज व्यक्ति हो वो उस चीज को मिलान करने के बाद ही उसको आगे जाने दे, जिससे कम से कम ये टाइम बचे। तो इन तरह की जो शिकायतें थी वो शिकायत हमें लगातार पहुंचाई। इसके अलावा कई जगह पर ऐसी भी स्थितियां पैदा हुई कि जहां पर जो है बिना जो है उसके मत देने की कोशिश की गई, तो वहां हमने लगातार जो है इस चीज कंप्लेंट की कि भाई बिना इसके जो है आईडी को देख करके आपने इस आईडी को अप्रूव कर दिया, जबकि ये आईडी रियल में नहीं है या फोटोकॉपी है या फेक आईडी है, हमने कहा कि इसकी ओरिजिनल आईडीज होनी चाहिए। कई जगह आई जहां पर उन्होंने फोटोकॉपीज बनवा दी उनकी, और फोटोकॉपीज में जो है परिवर्तन संभव है, तो इसलिए उन्होंने कहा कि भाई इन चीजों को जो है आपके ओरिजिनल आईडीज होनी चाहिए जिसको कहीं ना कहीं मैच हो सके। तो इन चीजों शिकायतें हमने उन चीजों को संतुष्ट करने की कोशिश की और लगातार हम इन चीजों को कंप्लेन है बीजेपी की ओर से आई है, हमें इसका मीडिया को एक प्रेस रिलीज भी दी गई है, उसमें कहा गया है कि सुभाष नरिया जो कांग्रेस के प्रत्याशी सीकर से, आपके कोई कार्यकर्ता गर्ग है उनके साथ में क्या वाकया हुआ, यह जब अधिकृत रूप से बात होगी तब हम बात करेंगे, लेकिन बीजेपी ने एफआईआर दर्ज कराने की मांग की इलेक्शन डिपार्टमेंट से, कमीशन से, और आरोप लगाया है कि कार्यकर्ता के साथ में मारपीट की गई है, और वो कुछ जगह पे प्रभावित करने का भी आप लोग आरोप लगा रहे हैं सुभाष नरिया पे, जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं। देखिए मैं कह रहा हूँ कि ऐसी जहाँ शिकायतें हुई हैं, जहाँ कंप्लेंट हुई है, हमने उसके तथ्य दिए हैं, और हमने बाकायदा उस आदमी के स्पष्ट किया है कि भाई इस व्यक्ति के साथ इस जगह पर इस ये हुई है, तो ये जो चीजें हुई है देखिए यही नहीं, मैं कई जगह ऐसी कोशिश की गई है जिन पर हमने कंप्लेंट करी है, और हमने कार्यकर्ताओं को कहा है कि भाई हम बहुत शालीन तरीके से चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, इस चीज के बावजूद भी जो इतना होने के बाद भी आप सत्ता का दुरुपयोग करके और आप जो है लोकल प्रशासन को जो है इसमें सहयोग करवा करके आप इस तरह काम करते हैं, तो निश्चित रूप से हम जो है अक्सर एक अपोजिशन की पार्टी की ओर से लगाया जाता है कि आप लोग भी सत्ता में रहे हैं, दूसरी पार्टी अभी सत्ता में है, यह संभव है कि कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन में कोई अधिकारी अपनी नौकरी को किसी को बचाने के लिए दांव पे लगाएगा, या आरोप क्यों लगा मर दिया जाता है कि प्रशासन फला प्रत्याशी के साथ मिलकर के और वहां पे इस तरह की स्थितियां पैदा कर रहा है। एक जगह और आरोप लगे थे कि अमुक जो प्रत्याशी है वो प्रशासन के साथ और पुलिस के साथ मिलकर के और वहां बिल्कुल ये जयपुर की बात है जिसमें आपके पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और रामचंद्र बोरा जो सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और प्रत्याशी भी है जयपुर से, वो गए कि रफीक खान जो आदर्श नगर से विधायक है उन पे आरोप भी लगाए गए, ऐसा संभव है कि प्रशासन किसी की मदद कर सकता आउट ऑफ द वे जाकर के? देखिए मैं कह रहा हूं आपको दो चीजें बड़ी साफ साफ थी, आपने कहा कि पहली चीज
पहली चीज आप देखिए पिछले लोकसभा में सरकार हमारी थी, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोगों ने जो है इस बार कहा कि जिस तरीके से पिछली बार आपने जो है मतदाता, क्योंकि चुनाव जो है कमीशन कराता है और इलेक्शन कमीशन जो है कई बार इन चीजों की चीजें जो है कई बार ऐसी खामियां रह जाती हैं। पिछली बार आपने देखा तो सरकारी जो पर्चियां थी उनके द्वारा ही वोट कास्ट हुए और उस कास्ट में हुआ यह कि लोग जो भी पर्ची थी किसी की पर्ची लेके गया और वोट कास्ट कर दिया। और आप देखिए इसकी कंप्लेंट जो है भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्शन कमीशन पे करवाई और इलेक्शन कमीशन ने यह तय किया कि कोई भी इलेक्शन पर्ची के साथ साथ जो है वो पर्ची अधूरी मानी जाएगी जब तक उसके पास में इन 12 चीजों में से कोई जो है प्रमाण नहीं होगा जो साथ लेकर के जाना पड़ेगा। तो एक अच्छी चीज थी कि कम से कम वोटिंग जो है पारदर्शिता के रूप में हो और उन्होंने मानी भी और इस चीज को लागू किया, इस चीज का जो है बनाया था कि ये चीज होनी चाहिए। दूसरी बात आपने कहा कि आदर्श नगर की बात, आदर्श नगर की बात बिल्कुल सही है क्योंकि मैं आदर्श नगर का जो है प्रभारी था और वहां पर एक जो है विधायक होने के बाद एक मंडल अध्यक्ष के साथ जो है बदतमीजी करे, मारपीट करे और उसके बाद आप जो है इन चीजों को जो है वहां पर करें, उसके बाद आप उस चीज का बल प्रयोग करके कहेंगे मैं विधायक हूं और पुलिस के सामने हमने उसकी रिकॉर्डिंग करवाई है कि आपने जो जो चीज कही है उसके अंदर हमने रिकॉर्डिंग कराई कि मैं विधायक हूं ये है और आपके साथ पुलिस खड़ी और मूक दर्शक बनी हुई है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये जो चीजें हैं, क्योंकि अब जो है वो वक्त चला गया है कि जब लोगों की तैयारी होती थी, आज हर एक आदमी के पास जो है मोबाइल है, हर एक आदमी की जो है उसके पास में जो है फोटोज है, वहां की जो स्थिति थी वो जो है वहां पर बताई गई है, ये सब चीजें वहां हम लोगों ने उनको बताया है। चलिए देवेंद्र जी आपके पास आना चाहूंगा, मैं जानना चाहूंगा कि कंट्रोल रूम आप लोगों ने भी बनाया था, कितनी शिकायतें मिली और किस कैटेगरी की शिकायतें मिली आपको? देखिए सबसे ज्यादा शिकायतें तो हमें मिली है ईवीएम मशीन खराब होने की, समय लगने वाली बात वो भी हुई थी लेकिन लगभग 500 से भी ज्यादा जगह पे जो है ईवीएम की मशीनें खराब हुई है, उससे वोटिंग प्रभावित हुई है और इसके बाद कई जगह बद इंतजामी के हालात भी, इसकी भी रिपोर्टिंग हुई है कंट्रोल रूम में। कई जगह अति उत्साह के अंदर विपक्षी पार्टी द्वारा जो निरंतर मतदान प्रक्रिया है उसके अंदर बाधा पहुंचाने की भी हम लोगों को हुई है। तो इन सारी चीजों का संज्ञान लिया है और इन सब चीजों की हम लोगों ने भी इसको अरेंज करके और इसी को जो ऐसी शिकायतें थी बहुत महत्वपूर्ण थी इसी को अवगत कराने की, चुनाव आयोग को, आयोग को अवगत कराने की, उसको हम लोग चुनाव आयोग तक लेके जा रहे हैं। तो दोनों तरफ से आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि ईवीएम को लेकर कि वो स्लो, लेकिन यहां एक बात राजेंद्र जी मैं जरूर कहना चाहूंगा, दोनों पार्टियों के नेता इस वक्त हमारे साथ में बैठे हुए हैं, ईवीएम को बेचारी को डायरेक्ट तो कोई दोष नहीं दे रहा, ये तो इंसानियत की इंसानी भूल कह सकते हैं या उसकी टेक्नोलॉजी में कहीं अगर कोई स्लो मोमेंट है तो वो ईवीएम का नहीं हो सकता, क्योंकि ईवीएम भी एक बेचारी बनी हुई थी भारत के लोकतंत्र में और आरोप लगाए जा रहे थे कि इसके साथ छेड़छाड़ हो सकती है, इसके प्रोग्रामिंग में कोडिंग में कुछ गड़बड़ हो सकती है, लेकिन फिलहाल ये तो मुझे लगता है कि दामन पे दाग नहीं लग रहा ईवीएम के पे। देखिए यदि हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज्यादा यदि किसी पे छेड़छाड़ का आरोप लगा तो ईवीएम पे, ईवीएम पे लगा है बिल्कुल, पर अब स्थितियां बदली हैं और क्योंकि यूपी के चुनाव के बाद में जिस तरह से चुनाव आयोग ने खुली चेतावनी दी थी कि कोई भी आकर के इसको हैंग करके हमको बताए, उसका काफी कुछ असर पड़ा है और देखिए चुनाव आयोग के सामने कोई भी व्यक्ति जाकर के ये नहीं कह पाया कि साहब इसके अंदर इसको हैंग किस तरह से किया जा सकता है, क्या है क्या नहीं। हालांकि उसके बाद में पिछले दिनों के अंदर आप देखा होगा कि लंदन के अंदर आरोप लगाया किसी ने जाकर के, आप बाहर क्यों जा रहे हो, आप यहां आकर के बताओ यहां क्या गड़बड़ हो सकती है, वो चीज बताओ, पर अब ये तो चीजें चलती रहती है। पर देखिए अब चुनाव आयोग को जो अगली पहल करनी है वो ये पहल करनी है, क्योंकि सभी जो राजनीतिक दल है वीवीपैट की मांग कर रहे हैं, अब हमको कोई ना कोई ऐसा सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा जिससे वीवीपैट वाली जो चीज है वो भी उसकी काउंटिंग हो, काउंटिंग हो जाए। और दूसरी चीज है कि उसमें जो टाइम कंज्यूमिंग चीज है, क्योंकि आप देखिए इस बार हमने ये देखा कि मतदान केंद्र पर टाइम थोड़ा सा ज्यादा लग रहा था, वीवीपैट के अंदर जो बजनी थी उसकी वो जो आना था वो टाइम पे उसमें टाइम लग रहा था, 6 मिनट से 6 सेकंड से ज्यादा लग रहा था, आपने बटन दबाने के बाद में जो टाइम लगना था वो थोड़ा ज्यादा लग रहा था, तो उस वजह से थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग रहा था। यदि वो टाइम थोड़ा बचता तो हो सकता है कि कहीं ये मैसेज आ रहा है सर लंबी लाइन लग रही है वो मतदाता तक नहीं जाता, हो सकता है उसकी वजह से परसेंटेज काफी बढ़ता। तो अब चुनाव आयोग कैसे देखिए, जब हमें बैलेट पेपर भी दिया जाता है तो बैलेट पे आप अपने एक स्टाम्प जो उस पर लगाते हैं, उसके अलावा आप उसको फोल्ड करते हैं और फोल्ड के साथ में भी, फोल्ड में भी कई बार अपनी जल्दबाजी के अंदर उस पेपर को कभी यूं कर देते हैं, मैं बहुत बार काउंटिंग में देखा है मैंने कि वही निशान दूसरे पे जा रहे हैं तो आपका वोट रिजेक्ट हो गया, एटलीस्ट इसमें रिजेक्ट के चांस तो नहीं है, एक बार अगर आपने चांस नहीं है
पर जो मैं कह रहा हूँ ना कि चुनाव आयोग को केवल सुधार वाली बात कर रहा हूँ कि ऐसे कोई हमको टेक्निक और या मतदाता को ईवीएम के साथ उसे फ्रेंडली भी करना होगा। बिल्कुल फ्रेंडली भी, ये थोड़ी सी कमी है। चलिए यहाँ एक मैं बात बताना चाहूंगा, राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में अगर बात कर ली जाए तो राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री हैं उन्होंने सभाएं की हैं, रैलियां की हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात कर ली जाए तो 8 सभाएं की हैं जिससे 20 सीट सीधा उनका एक इफेक्ट कह सकते हैं। इसी तरह से राहुल गांधी ने 9 सभाएं करके 21 सीट पर अपनी प्रभाव छोड़ने की कोशिश की है। कितना फर्क पड़ेगा ये तो 23 तारीख को तय होगा, लेकिन कोशिशें पूरी की गई है। एक मैं बात यहां जरूर कोट करना चाहूंगा कि वह चाहे राजस्थान के परिपेक्ष में हो या चाहे देश के परिपेक्ष में हो, पंकज जी आपके पास आना चाहूंगा, ये पूरा जो इलेक्शन कैंपेन है ये मोदी जी पे आकर के फोकस रहा। अगर प्रतिपक्ष भी आरोप लगा रहा है तो मोदी, और सत्ता पक्ष भी वापसी की अगर कोई बात कर रहा है तो वह है मोदी। तो एक सिंगल मैन सो रहा है इस पूरे इलेक्शन में, चाहे कैंपेन आपकी तरफ से रहा चाहे अपोजिशन की तरफ से रहा। कैंडिडेट्स का बहुत सारे लोग, मैं मतलब आपको ये कोई ज्यादा ऐसी बात नहीं कहूंगा कि आप भी कोई इसमें आश्चर्य व्यक्त करें, कई लोगों को मैंने पूछा कि वोट डाल के आए क्या साहब, डाल के आए किसको दिया, ऐसा मोदी को ही दिया वोट, कैंडिडेट यहां से कौन था, कि शायद था तो सही कोई। रियली मैं बता रहा हूं आपको ये बात, जबकि पढ़े लिखे लोग हैं, ये मतलब इलेक्शन पूरा इस तरह से फोकस करके रख दिया। प्रेसिडेंट जो सिस्टम है हमारा दुनिया में कई जगह पे, उस कदर के एक आदमी के ऊपर आपको वोट डालना है, तो ये इसे किस तरह से देखा जाए? देखिए योगेंद्र जी, मैं फिर एक आपको कहना चाहूंगा कि देखिए ये सरकार का जो है ये केवल मोदी जी के लिए नहीं था। देखिए मोदी जी हमारे लीडर हैं, इसमें कहीं बोली थी, लेकिन मोदी जी ने जो काम किए पिछली बार, देखिए पिछली बार जब वोट पड़ा था तो हमने वोट जो है हमने ये मांगा था कि हम मोदी जी के नाम पे जो काम करेंगे उस पर वोट मांगा था। अब हमने जो काम कर दिए उस पर वोट मांगा हमने, और हमने एक बहुत साफ साफ सा कहा, चाहे लोगों ने कहा हो कि इसके राष्ट्रवाद के लिए बात की हो, चाहे लोगों ने विकास की बात की हो, हमने सब चीजों के जो आपने खुद ने देखा कि मोदी ने जो इंटरव्यू दिया उसमें बहुत साफ साफ सी बातें की, उन्होंने कहा कि भाई ये जो चीजें जिस प्रश्न का कहा उन प्रश्नों को बहुत जो है स्पष्टीकरण दिया। और इन चीजों के बारे में लगातार आप खुद देखें तो विपक्षी पार्टियों द्वारा धीरे धीरे करके जो मोदी जी पे जो निशाना लगाते थे, मोदी जी की जो बुराई करते थे, मोदी जी पे जो आक्षेप लगाते थे, धीरे धीरे करके उन्होंने राष्ट्र तक आ गए, वो राष्ट्र के अगेंस्ट की बातें करने लगे। तो ये जो चीजें थी ये चीजों को लगातार खुल करके बात की। और जहां तक प्रचार की बात है, आप खुद देखेंगे तो यहां की जो कमान थी वो कुछ लोगों के पास थी, लेकिन हमारे यहां से हर एक नेता, चाहे राजनाथ सिंह जी हो, चाहे योगी जी हो, चाहे नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे सुषमा स्वराज हो, जो भी हमारे नेता थे, लगभग वो जो है हर एक क्षेत्र में गए और जाकर के उन्होंने प्रचार किया। तो पूरी पार्टी चुनाव लड़ रही थी, इसमें कहीं कोई ऐसी चीज नहीं थी, क्योंकि हम जो 5 साल में जो काम किए थे, विकास किया था, राष्ट्र के प्रति जो उसका सुरक्षा की बात हो, चाहे आतंकवाद की खत्म करने की बात हो, चाहे पड़ोसी देश को जो है सबक सिखाने की बात हो, हम लगातार इन चीजों की बात करते रहे और उन चीजों को जनता पर लेकर के गए और जनता ने विश्वास किया और जनता इन चीजों से बिल्कुल क्लियर थी कि ये जो चुनाव थे समझ में आ गया कि जनता मांग क्या करती है, हमें चलना होगा। हमने हम जनता की टेक्निक, जनता जानती है इस चीज को कि कौन सा चुनाव जो है गली मोहल्ले का है, कौन सा चुनाव जो है राज्य का है, कौन सा चुनाव जो है उद्देश्य के लिए। आप जिस पत्र पे जा रहे हैं, आप जिस बात कर रहे हैं, देवेंद्र ने कुछ देर पहले ये बात कही थी कि पूरा इलेक्शन अपनी उपलब्धियां भी नहीं गिना पाए मोदी जी, सिर्फ राष्ट्रवाद और सेना को बनाने की कोशिश की। मुद्दे जो होने चाहिए थे डेवलपमेंट का मुद्दा होता, आप जो तस्वीर ये मैं नहीं करा, कांग्रेस के लगातार आरोप आ रहे हैं। मैं एक चीज कहना चाह रहा हूं आपको इस मामले में, आप देखिए कि जो है इस देश की सर्वोच्च पोस्ट आप जो है राष्ट्रपति, उस पर आप प्रश्न उठा देते हैं, आप प्रधानमंत्री को गाली देते हैं, आप राष्ट्र को गाली देते हैं, आप जो है बेसिकली सेना के अधिकारियों को जो है इसमें मिली भगत मान लेते हैं, आप इन सब चीजों को गाली देते हैं, और आप जो है हाफिज जो है उसके अगेंस्ट जो है साहब लगाते हैं, मजर असूद की जगह जो है जी लगाते हैं, वहां आप जी और साहब लगाते हैं, और यहां आप जो है गालियां देते हैं, और फिर आप कहते हैं कि राष्ट्रवाद की बातें करते हैं आप। चलिए जवाब सुनिए, देवेंद्र बहुत उत्सुक लग रहे हैं मुझे कि जवाब देने के लिए, बताइए देवेंद्र साहब। आपने बहुत ही, मैं मीडिया का तो बहुत शुक्रगुजार हूं कि ये ऐसा प्रश्न उठाया है कि इसके हमेशा से टाल जाते हैं, लेकिन टाले दिया नहीं जाएगा। अटल जी के टाइम में नारा चलता था कि अटल जी रो कहणो है और वोट कमल ने देणो है। इन्होंने कमल निशान भाजपा और जो एक पार्टी जिसे कहते हैं कि एक पार्टी देश पार्टी से बड़ा है, पार्टी किसी व्यक्तित्व से बड़ी है, ये हमारे यहाँ मोटा मोटा हम लोगों ने हमेशा से देखा है, चाहे से वो कांग्रेस से कद्दावर नेता हो, कोई भी आज दिन तक कोई प्रधानमंत्री बना हो। मोदी जी टोंक आए, टोंक से उन्होंने खुद के मुंह से, सुनने में बहुत अजीब लगा, मैं टोंक का मेरा पैतृक निवास है, हम लोग टीवी सुन रहे थे कि मोदी है तो मुमकिन है, कम से कम 10 से 12 बार बोला, क्यों साहब देश है तो मुमकिन नहीं है क्या, भाजपा है, कम से कम खुद की पार्टी के लिए बोल सकते थे, खुद के कार्यकर्ताओं के लिए बोल सकते थे, लेकिन नहीं, कई कारण हो सकते हैं, क्या पता इनको अंदर खाने अपनी पार्टी से डर का था,
लेकिन मोटा मोटा हम लोगों को समझ में आ गई है कि इन लोगों ने आंकड़ों से इन सबसे भटकने का तो बहुत ही अच्छा तरीका निकाल लिया, और इनकी सोशल मीडिया टीम, ये तो हम लोग सब लोग जानते हैं कि किस कदर तक झूठ बोलने में माहिर है, अदला बदली करने में माहिर है, ये हम लोगों ने पिछले इलेक्शन में देख लिया। तो वहीं से इनकी ये साफ साफ हो गई, नीयत पता लग गई थी कि पूरे पूरे इलेक्शन कैंपेन जो है उसको पूरी तरह से एक नई पिक्चर जो है, मनगढ़ंत सी पिक्चर जो बरगलाने वाली बात युवाओं के साथ होने वाली है, और विकास तो मुद्दा नहीं होने वाला है। क्यों? विकास का नाम आप लोगे तो आंकड़ों पे बात आएगी, और आंकड़ों के साथ आपने क्या किया वो तो पूरी दुनिया को पता। जब एनएसएस चीफ स्टैटिस्टिशियन ऑफिसर ने ये कहकर इस्तीफा दे दिया कि साहब हमारी रिपोर्ट को एनएससी ने तो अप्रूव कर दिया, और अब मेरा ही डिपार्टमेंट इसको गवर्नमेंट जो है इसको जारी करने से मना कर रही है, ये वाकया तो बिल्कुल ओपनली हुआ है, इसके अंदर तो कांग्रेस का कहीं से लेकर कहीं तक रोल नहीं है। तो क्यों ये वहीं से हम लोगों को क्लियर हो गया था सबको, पूरी दुनिया को। लेकिन ये लोग चुनावी प्रबंधन के अंदर और विशेष तौर पे जो युवा वर्ग है उसका इन लोगों ने नस पकड़ ली, उन लोगों को कैसे बॉलीवुड के थ्रू इन लोगों ने भाजपा के सोशल मीडिया सेल ने और इन लोगों ने बॉलीवुड के थ्रू लोगों की ओपिनियन बदलने की बहुत बड़ी कोशिश की, ये हमने देखा, उसके ऊपर काफी विवाद भी हुआ। एक जगह मैंने कहा था कि कांग्रेस के कार्यकाल में, कांग्रेस के ही उस वक्त कार्यकाल में रंग दे बसंती जैसी पिक्चर बनी थी, जिसने बहुत बड़ा सवाल उस वक्त की वर्तमान व्यवस्थाओं के ऊपर खड़ा किया था। मेरे ख्याल से आप सब लोगों ने देखा भी था, आप सब लोग बहुत सराहे होगा, पिछले 5 साल में कोई ऐसा काम हमारी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की तरफ से भी हुआ हो तो आप बता दीजिए। बड़ी जाहिर सी बात है, ये किस तरफ इशारा करती है, किस कदर एक डर में है एक व्यक्तित्व जो अपने आप को देश से समाज से सबसे बड़ा समझता है। ये एक गलत परिपाटी है जो कि इस देश की चुनावी संस्कृति में तो कभी नहीं थी। जी चलिए, श्याम सुंदर सिन्हा साहब इस वक्त हमारे साथ में जुड़ गए, जो पूरे इलेक्शन कैंपेन और हर चरण में हमारे साथ जन टीवी के साथ में जुड़े रहे और अपनी एक्सपर्ट व्यूज जो है सबके सामने पहुंचाते रहे। वोटिंग परसेंट जी जी एक प्रश्न जो है श्याम सुंदर जी खुद ही बता देंगे इसमें, है ना, ये उन्होंने कहा कि मोदी जी पे कि यह हमारे कांग्रेस में नहीं हुआ, इंदिरा इज कांग्रेस और कांग्रेस इज इंदिरा, हु सेड दिस वर्ड? ये डीके बरवा साहब ने 1970 में कहा है। कब किस समय कहा? जब इतने नहीं थे, जब तो बेसिकली आपके इतने साधन भी नहीं थे, जब तो लोग ये इलेक्शन को इतना समझते भी नहीं थे, जब तो लोगों को इतना चीजें जो है इतना स्पष्टीकरण भी नहीं था। आज आप किस चीज की बातें कर रहे हैं? मैं यही कह रहा हूँ कि आप 1970 के दशक की चले जाइए। चलिए मैं डिस्कशन कर देंगे एक बार श्याम जी के पास ले जाना चाहूंगा। श्याम जी आपके पास आना चाहूंगा। वोटिंग परसेंटेज मुझे बहुत ज्यादा उत्साहित नहीं कर रहा है कि जो परसेंटेज रहा पश्चिमी राजस्थान जहां भीषण गर्मी पड़ती है, पूरी राजस्थान गर्मी पूरे प्रदेश में है, राजस्थान इसके लिए काफी अपनी एक खूबी रखता है कि गर्मी गजब की पड़ती है यहाँ पे, लेकिन उसके बावजूद भी उत्साह गर्मी पर भारी पड़ रहा था। यह हो सकता है कि वोटिंग परसेंटेज में इजाफा हुआ, लेकिन मुझे जैसी उम्मीद थी कि 70 के पार जाना चाहिए वैसा पार नहीं गया। हम एक दिन पहले भी जब चर्चा कर रहे थे तो ये बात निकल करके आ रही थी कि शायद हो सकता है कि मोटिवेट करे पहले फेज का वोटिंग परसेंटेज, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि कोई मोटिवेट होते नजर आ रहे हैं। लेकिन इस परसेंटेज पे बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने दावे किए हैं कि ये हमारे पक्ष में है। देखिए योगेंद्र जी, क्योंकि दोनों पार्टी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी और दावे शुरू से करते आ रहे कि मिशन दोनों का 25 पूरा होना नहीं है कहने को, तो क्योंकि उनके मतदाताओं को अगर ये कहेंगे कि हम मिशन 25 नहीं रख रहे तो उनके मतदाताओं में मायूसी आएगी और आएगी। तो एक स्ट्रेटेजी के तहत दोनों ही पार्टियों ने कहा कि मिशन 25 को लेकर चल रहे हैं, लेकिन चुनाव में जिस प्रकार से जातिवाद देखने को मिला या मोदी ने अपने आप अपने नाम पे वोट मांगे, पहले भी इंदिरा जी ये नहीं कहती थी कि ये हमारे उम्मीदवार है, नहीं, इस बार पहली बार देखने को मिला जयपुर में भी जब 3 उम्मीदवार बैठे हुए थे, तीनों का नाम नहीं लिया, मोदी जी ने कहा कि आप वोट डालोगे तो मोदी को जाएगा। तो ये सारी स्ट्रेटेजी इस प्रक्रिया में ये भी देखने को मिला कि पार्टी से बड़े हो गए मोदी, बीजेपी नहीं है मोदी है, सब लोग कह रहे हैं मोदी है तो चुनाव है, लेकिन बीजेपी को लगता है कि उनकी स्ट्रेटेजी का पार्ट है ये, और ये विनिंग फैक्टर के लिए काफी कारगर है। देखिएगा जब सामूहिक निर्णय नहीं होता है तो सारी स्थितियां पैदा होती है। अब आप देखिएगा कि कांग्रेस ने कहा कांग्रेस को वोट डालिए, ये नहीं कहा राहुल को वोट डालिए, राहुल को ही वोट जाएगा, उन्होंने कभी नहीं कहा कि हमारे प्रत्याशी नहीं है। लेकिन यहाँ पर ये इससे पहले 2014 का चुनाव हुआ था,
तो प्रत्याशी को बाकायदा खड़े करते थे, कहते थे हमारे प्रत्याशी नहीं, प्रत्याशी तो अभी अच्छा हाँ स्टेज पे खड़ा करते थे, बाकायदा हाथ मिलवाते थे उनसे कि हम भी हैं। इस बार देखिए जयपुर में आप भी मौजूद थे, मैं भी था, जसकौर मीणा भी थी, राजवर्धन सिंह भी थे और आपके रामचंद्र भोरा भी थे, तीनों खड़े होने लगे थे, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, उनको ना तो खड़े कर मोदी जी रहेंगे अभी वहां तो ना उनका नाम प्रचारित नहीं करा, बोला नहीं तीन लोकसभा, अब या तो ये स्टेडियो की तीन लोकसभा क्षेत्रों की ये आमसभा थी, ये नहीं कहलाना चाहते थे वो कि तीन लोकसभा क्षेत्रों की आमसभा है, तो लिखे तो कहा जा सकता है कि पूरे चुनाव में मोदी मैजिक और मैजिक नाम ही चला, उसके आगे बीजेपी गौण हो गई, बाकी नेता गौण हो गए। इस बार आपने किसी की भी आमसभा देखने को नहीं मिली, अमित शाह के पंकज जोशी जी के मुस्कुराहट का राज मैं जानना चाहूंगा, बीच में बड़े मुस्कुरा रहे हैं। मैं कह रहा हूं आपको, क्या गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जी नहीं आए, क्या जो है योगी जी नहीं आए, क्या जो है सुषमा स्वराज नहीं आई, क्या जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है अमित शाह साहब नहीं आए, इसके अलावा बहुत सारे नेता हमारे जो सुदूर इलाके में गए, लगभग सभी जो नेता थे वो गए, खुद थावरचंद जी गहलोत यहां पर आए, उनका प्रचार था, आप खुद एक पूरा प्रोग्राम देखिए बीजेपी का, जो प्रोग्राम था पर डे का प्रोग्राम जो है वो मीडिया को जारी किया, नेता कांग्रेस नहीं, देखिए मैं कह रहा हूं आपको सभाएं भी की उन्होंने, और जहां तक बात जयपुर की सभा की है, आप देखिए कि प्रधानमंत्री उस दिन कितनी सभा करके आए थे और प्रधानमंत्री के गले की हालत कैसी थी, उसके बावजूद किस वक्त में आए थे, और उस वक्त में आने के बाद आप खुद देखिए कि लगभग 7:45 के आसपास उन्होंने जो है भाषण देना शुरू किया, 7:40 के आसपास जो है उन्होंने भाषण शुरू किया। अब इतनी चीजें होने के बाद आप कहें कि वहां बाकी जगह नाम लिया कि नहीं लिया, और उन चीजों को एक मुद्दा बना करके मेरे ख्याल में ये खाली एक जो है सोच पैदा कर सकता है कि हाँ भाई ऐसा मुद्दा बना दिया किसी चीज के लिए, लेकिन उन्होंने लगातार कहा कि जो जीत है वो हम सामूहिक रूप से लड़े, आज पूरा संगठन जो है पार्टी का एक एक चीज, यहां तक कि एक एक बूथ, मैं कह रहा हूं बूथ की स्थिति कौन लेकर के आया, क्या आज से पहले पन्ना प्रमुख की स्थिति कौन लेकर के आया, आप यदि बात करें कि साहब इस पर लड़ा गया तो फिर वो कहते ही नहीं, आज पन्ना प्रमुख की चीज कौन लेकर गया और उसकी जो है नकल किसने करी, किन पार्टी ने नकल नहीं करी, आज बूथ की हमने क्या उस पर नकल की, पन्ना प्रमुख की नकल हुई, तो आज जिस तरीके से नकल मैं नहीं 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 देखती नहीं सर, देखिए अरे गहलोत के प्रोग्राम में क्या हुआ था आपको पता है, कोई भाषण नहीं सुना चल दिए बाहर, आप देखिए बिरला मिर्ला ऑडिटोरियम में क्या हुआ था, सुषमा स्वराज ने क्या आमसभा की या छोटा सा सम्मेलन की सभा थी, क्या बात कर रहे हैं, आज के भी जो कुछ चुनाव के कारण जिस तरीके की उनकी स्थिति है, आप आज फिर कह रहे हैं चुनाव मान लीजिए ना कि जोशी जी आपके आपके तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सब कुछ मान लीजिए भी नहीं है, लीडर भी नहीं है, तो जो आप मान भी लेते हो तो वादो लीडर भी नहीं है, ये बात करते हैं देश का लीडर ही नहीं है तो उसकी उस देश की बात क्या होगी, बिना धोने की बात क्या चाहोगे आप, पंकज जी मैं कह रहा हूँ कि प्रियंका ब्रेडा को राजस्थान लाने का कारण भी यही रहा कि इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की महिमा फीकी पड़ जाती क्योंकि वहां उनकी सभा में ज्यादा लोग होते तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी फेल हो जाते, इसलिए उनको यूपी तक सीमित रखा, चले सही है शाम जी, दोनों की बातें कही आपने कि कहां क्या चल रहा था, खैर चलिए माफी चाहेंगे, मैं रोकना चाहेंगे, वक्त की कमी है हमारे पास में, और दोनों फेज के लिए राजस्थान में मतदान हो चुका है, और आपने अगर वोट डाला तो बड़े मैं खुश नसीब कहूंगा आपको कि आपने लोकतंत्र के इस महायज्ञ में आपने आहुति दी है, और अगर आप नहीं डाल पाए तो मैं कहना चाहूंगा कि आप चूक गए, आप अपने बिस्तर में लेटे रहिए, 5 साल बाद अब आपको अवसर मिलेगा लोकसभा का, सब ठीक रहा तो ये एक अवसर था, आपको बुलाना चाहिए था, लोकतंत्र की मजबूती के लिए आपको घर से बाहर निकलना चाहिए था, आप अपने जनप्रतिनिधि को कोस नहीं सकते, मुझे लगता है कि नैतिक रूप से आपको कोई राइट नहीं है कि आप उन्हें कुछ कह सके कि हमारे यहाँ पे ये सुविधा नहीं हुई, पूछा जाना चाहिए कि भाई साहब आपने वोट डाला था क्या। खैर इस फेज के लिए काफी महत्वपूर्ण यह भी बात कहनी होगी यहाँ पे कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी, स्मृति ईरानी, राजनाथ सिंह सहित कई दिग्गज जिनकी किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है, राजस्थान की भी बात कर ली जाए तो दो केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और अर्जुन मेघवाल, तीन पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह, जसकौर मीणा और सुभाष महरिया, इनकी किस्मत दाव पे लगी हुई है और इनकी किस्मत ईवीएम में कैद है। जयपुर ग्रामीण तो बड़ी रोचक सीट है, दोनों ओलंपियन आमने सामने चुनाव लड़े हैं बीजेपी और कांग्रेस से, हनुमान बेनीवाल चुनाव लड़े और एनडीए के साथ में उन्होंने हाथ मिलाया, क्या स्थिति रहेगी सबकी निगाहें टिकी हुई है। चले बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, आज खास खबर और महासमर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।